राया क्षेत्र के ग्राम नुनेरा में एक वृद्ध महिला की सोते वक्त हत्या की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हम आपको बता दें कि गांव नुनेरा की रहने वाली रूपवती पत्नी हरिचंद घर में अकेली सो रही थी। उसके बेटे और बहू घर की छत पर सो रहे थे, जब सुबह देखा कि एक कपड़े से रूपवती का गला दबा हुआ था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात बदमाशों ने वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी है। ये जानकारी मिलते ही राया पुलिस और एसपी देहात आदित्य कुमार मौके पर पहुंच गए और घटना के बारे में पूछताछ और छानबीन की। इस बारे में एसपी आरए आदित्य कुमार शुक्ला का कहना था कि महिला की हत्या हुई है, इसके गले में कपड़ा मिला है, उसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। ये जनपद मथुरा में थाना राया के अंतर्गत ग्राम नुनेरा पड़ता है। यहाँ पर आज रात एक महिला की हत्या हुई है और इसमें उसके गले में गला उसे कपड़े से गला घोटा गया है। ये भी साथ में जानने योग्य है कि उसका लड़का और उसकी पत्नी छत के ऊपर सोई थी, उसके नीचे दूसरे मकान में सोई थी। हम लोग इसको इसी रूम में इसकी जांच कर रहे हैं, सबको पोस्टमार्टम में भेजा गया है और बाद पोस्टमार्टम इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। ये आत्महत्या भी हो सकती है क्योंकि उसके कपड़े से घुसने के निशान हैं और हत्या भी हो सकती है। ये तो बाद पोस्टमार्टम क्लियर होगा कि वास्तव में स्थिति क्या है, लेकिन कुछ स्थितियाँ संदिग्ध जरूर लग रही हैं। उसके पारिवारिक जन साथ में सोए थे, ऊपर सोए थे, कोई बाहरी प्रवेश करता तो उनको कुछ न कुछ पता चलता है।